नमस्कार दोस्तों, जीडीएस यूनियन ने बोनस को लेकर एक अपडेट दिया है। जो पीजेसीए का गठन हुआ था जीडीएस के यूनियन का, उनके द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक अपडेट मिला है बोनस को लेकर। और बहुत से जीडीएस ऑफिशियल्स का मैसेज भी आजकल रिसीव हो रहा है। कोई बोल रहा है कि इस बार बोनस नहीं मिलेगा, कोई बोल रहा है कि इस बार बोनस 30 दिन का ही मिलेगा, और बहुत सारे फेक मैसेजेस भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं लगातार। फिलहाल यूनियन का क्या कहना है, अब हम देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ फेक मैसेजेस की, जो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ मैसेज में कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ ऑब्जेक्शंस ऑन गिविंग बोनस टू पोस्टल एम्प्लॉयज़ इक्वल्स टू 60 डेज एज द डिपार्टमेंट इज़ द टॉप मोस्ट लॉस मेकिंग गवर्नमेंट एंटिटी राइट नाउ। मतलब क्या है, इसमें लिखा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये 60 दिन का बोनस ग्रांट करने में ऑब्जेक्ट कर रही है। ये नहीं चाहती है कि 60 दिन का बोनस ग्रांट हो पोस्टल एम्प्लॉयज़ को। और रीज़न में मेंशन किया गया है कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, ये काफ़ी लॉस में अभी जा रही है, तो इसके वजह से 60 दिन का जो बोनस है वो ग्रांट नहीं किया जा सकता, यहाँ पर मैसेज में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा है कि एक्सपेक्ट द बोनस फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू बी सबमर्ज्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस। कल मैंने आपसे बताया था नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के बारे में और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के बारे में। आपको पता होगा, कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जो मिलता है वो मात्र 30 दिन का मिलता है, जो पोस्टल एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया जाता है। पोस्टल एम्प्लॉयज़ को जो दिया जाता है वो बोनस होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, जो 60 दिन का ग्रांट होता है हर साल। तो यहाँ पर ये लिखा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को क्यों ना सबमर्ज कर दिया जाए नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस में। मतलब 30 दिन का बोनस यहाँ पर देने की बात हो रही है। और ये भी लिखा है यहाँ पर कि अगले साल से हो सकता है ये 60 डेज़ का जो बोनस है ये ग्रांट ना हो, और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस ग्रांट हो, जो मात्र 30 दिन का ही मिलता है। और ये मैसेज, ये फेक मैसेज है, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं इसी मैसेजेस को। अब देखते हैं दोस्तों, जो जीडीएस पीजेसीए ने बोला है कि अब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री से बोनस का फाइल क्लियर नहीं हुआ है, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बोनस का ऑर्डर मंडे तक, मतलब 10 तारीख तक इशू कर दिया जाएगा। हालांकि एक प्रोटेस्ट लेटर देने की भी बात यहां पर की गई है, लेकिन अगर इशू हो जाता है ऑर्डर तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, बोनस इस बार का जो मिलेगा वो 60 दिन का ही मिलेगा, लेकिन बहुत से फेक मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, इन सब पर उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर इसमें और एक बात निकल कर सामने आती है कि हर साल दुर्गा पूजा से पहले या तुरंत बाद बोनस क्रेडिट कर दिया जाता था, बट इस बार बहुत डिले हुआ है, इसलिए काफ़ी रेस्टलेसनेस हो रही है ऑफिशियल्स के अंदर। थोड़ा डिले हुआ है इस बार, बट मंडे को उम्मीद है कि ऑर्डर इशू हो जाए। मुझे तो ऐसे भी मैसेजेस मिले थे कि इस बार बोनस नहीं मिलेगा। आपको तो पता ही है कि जो 18 महीने का डीए फ्रीज कर लिया गया था कोविड-19 में, तो जो कोरोना काल से जून 2021 तक का डीए एरियर भी नहीं दिया गया है अब तक। तो कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, और अब तक बोनस का भी ऑर्डर नहीं आया है तो इसको लेकर भी मन में संशय बना हुआ है। लेकिन यूनियन ने जो अपडेट दिया है उसके हिसाब से मंडे तक का वेट करना होगा, और फिर हो सकता है कि सभी जीडीएस भाई बहन को और डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स को खुशखबरी मिले। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के।